अगर मैं आपको पूछूं कि हाउ वुड यू रेट योरसेल्फ इन ए अप्राइजल, चांसेस आर कि आप हमेशा अपने आप को बेस्ट रेटिंग देंगे, लेकिन जब आपकी एक्चुअल अप्राइजल कंपनी में होती है तो शायद आपको बेस्ट रेटिंग नहीं मिलती है। सो वेयर इज द गैप, गैप किधर हो जाती है, और क्या ये गैप आपके वजह से है या इज इट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस और इज इट बिकॉज ऑफ व्हाट द मैनेजर इज कैरिंग इन हिज हेड, वो सब मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज मैं आपके साथ 5 ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगा जो आपको बेस्ट अप्राइजल लेने के लिए इट विल मेक यू रेडी। आर यू रेडी फॉर दिस? यस। नंबर 1, प्लान योर गोल्स एट द स्टार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ईयर। बहुत लोग होते हैं कॉर्पोरेट में जो एक्चुअली गोल प्लानिंग नहीं करते। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स भी हैं हु डू नॉट पे इंपॉर्टेंस टू सेटिंग गोल्स एट द स्टार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ईयर, ऑल्दो द सिस्टम डिफाइंस इट टू बी सो। बट इस केस में नुकसान तो आप ही का है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सेट दीज गोल्स इन एडवांस, और ये ऐसे गोल होने चाहिए जो आप रियली मीन कर रहे हो कि आप अचीव करो इस साल में। So set up some goals which are directly linked to your role, set up some overarching goals for your practice or department, and set up some personal goals too. तो इस तरह से आप अपने goals पहले से बना लो, साल के start में बना लो, so that you get the full year to work on them. Second point, get alignment of these goals with your manager. बहुत बार ऐसे होता है कि हम goal setting करने के time पे we underplay ourselves. Or sometimes we overestimate ourselves, right? So the best person to have a view on your role is your manager. Is supposed to be your manager. Let me put it this way. So आपको करना क्या है? आपने जो goal बनाई है step one में, आपको वो goals लेके आपके managers के साथ validate करना है कि is he aligned with that goals? Does he agree that these are the goals required for this role to be successful? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि अगर आपके मैनेजर यहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट उनका होता है तो वो आपको क्लियरली यहाँ पे बता सकते हैं। अगेन, अगर आपके कंपनी प्रोसेस में दिस इज़ नॉट देयर दैट यू हैव टू डू इट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, हो सकता है फाइंडिंग टाइम विद द मैनेजर विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। बट एज आई हैव सेड मेनी टाइम्स इन माई प्रीवियस वीडियोज, द ओनस इज ऑलवेज ऑन यू। आपको टाइम निकालना है, आपको मैनेजर को चेज करना है, और आपको उनके साथ टाइम सेट करके गोल अलाइनमेंट करनी है। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू आस्क हिम टू सेट यू अप फॉर सक्सेस। जैसे गोल अलाइनमेंट हो गया स्टेप टू में, आप उनको पूछो कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। टेक हिज एडवाइस, टेक हिज इनपुट्स कि हाँ मुझे ये गोल अचीव करने के लिए ये 4-5 स्टेप्स करने हैं। व्हाट इट विल हेल्प इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, ही बीइंग मोर एक्सपीरियंस देन यू, ही विल बी एबल टू गाइड यू लाइक ए मेंटर। एंड सेकेंडली, इट ऑल्सो गिव्स यू अ क्लियर विजन इन टू हाउ टू अचीव दिस गोल एट वॉट टाइम फ्रेम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको करनी ही करनी है विथ योर मैनेजर। अगेन, द ओनस इज ऑन यू, सेट अप टाइम एंड डू दिस डिस्कशन सो दैट देर इज क्लैरिटी फॉर यू हाउ यू वॉन्ट टू प्रोसीड फॉरवर्ड। पॉइंट नंबर 4, जो फोर्थ स्टेप है वो भी बहुत क्रिटिकल है, वो है कि आप अपना जो प्रोग्रेस है उसको लॉग करें। यू लॉग योर प्रोग्रेस against each goal, write the steps that you are going to take to achieve that goal, and then again you mark your progress in a timely manner. शायद 1 महीने में, 2 महीने में, depending on the goal, उनकी timelines के हिसाब से, तो आप उसके against में progress mark करें और आपको periodically उसको देखते रहें। क्योंकि अगर आप periodically नहीं देखोगे तो उसमें ऐसे भी goals होंगे जिन पर आप काम ही चालू नहीं कर रहे होगे, तो आपको पता भी नहीं होगा 6 महीने निकल गए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप लुकिंग बैक एट योर जर्नल, कीप लुकिंग बैक एट योर लॉग एंट्री टू सी कि कौन सा गोल कितने आगे पहुंचा है, व्हाट इज द प्रोग्रेस इन इट, और क्या एक्स्ट्रा किया जा सकता है। नंबर 5, द फिफ्थ पॉइंट इज दैट यू नीड टू इन्फॉर्म और कीप योर मैनेजर इन्फॉर्म्ड ऑन द प्रोग्रेस। आप पीरियोडिक फीडबैक सेशंस शेड्यूल कीजिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप शेड्यूल कीजिए, टेक टाइम फ्रॉम द मैनेजर और पीरियोडिकली उनसे अपने गोल्स के प्रोग्रेस शेयर करते रहिए। सो व्हाट विल हैपन इज ही विल बी कंप्लीटली इन्फॉर्म्ड अबाउट हाउ योर जर्नी हैज बीन इन द परफॉर्मेंस ईयर। जनरली व्हाट हैपन्स इज अप्राइजल जो है वो लास्ट 2-3 महीने में जो जनरली मैनेजर्स की मेमोरी में रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द रीसेंट मेमोरीज। बट व्हेन यू डू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स, राइट, ऑल द 5 स्टेप्स, व्हाट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट इज एक्चुअली अ जर्नी ऑफ अ होल ईयर इन हिज माइंड एंड रीइन्फोर्स द आइडिया अगेन एंड अगेन। होगा क्या
इससे जो मैनेजर है वो कंप्लीटली अवेयर रहेगा कि आप क्या करना चाहते थे इस साल में एंड हाउ यू हैव वेंट अबाउट अचीविंग द गोल्स दैट यू हैड सेट आउट फॉर योरसेल्फ एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. मुश्किल है लेकिन डेफिनेटली पॉसिबल है. मुश्किल हो सकता है क्योंकि हो सकता है कंपनी इज नॉट हैविंग दैट एनवायरमेंट, बट इट डजंट मैटर बिकॉज योर ग्रोथ इज इन योर हैंड. तो ये ओनस आपको लेना है, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो आप इस पे एफर्ट डालो एंड यू विल सी अ ड्रास्टिक टर्न अराउंड इन योर ओन परफॉर्मेंस एंड एंगेजमेंट लेवल्स एट वर्क. विथ दिस आई विल एंड दिस वीडियो. डू लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन. राइट मोर टॉपिक्स दैट यू वॉन्ट मी टू कवर. आई वुड बी हैप्पी टू मेक वीडियोज ऑन दैट. And yes, like, share and subscribe to this channel for more content. And share this video with someone who may need it. Thank you so much for watching.